हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार बीएड का एग्जाम 10 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, तो इसी रिगार्डिंग मैं बताने आया हूँ कि इसका जो एग्जाम का जो कट ऑफ होगा वो कितना होगा और आपको कितना नंबर लाना है कि ताकि आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और टोटल मैं प्रीवियस ईयर के अनुसार आपको टोटल डिटेल से बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट्स से जो क्वालिफाई कर पाए थे और कितने कैंडिडेट्स से जो ओवरऑल कैटेगरी वाइज यानी कि ओबीसी एसटी जनरल सभी में क्वालिफाई कर पाए थे और उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था फर्स्ट फेज के लिए। ये सारी बातों को आपको इस वीडियो में क्लियर बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डेली आपके पास पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, ये रहा जो आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, जो प्रीवियस ईयर का है आप देख सकते हैं 2018 का है जो आप देख रहे होंगे, जहाँ पे बताया जा रहा है श्रेणी के अनुसार काउंसलिंग के लिए चयनित उम्मीदवार का सारांश या टोटल सारांश दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज टोटल बताया गया है कितना कैटेगरी में जो आपका रिजल्ट होगा वो निकाला जाएगा, और उसके बाद देख सकते हैं किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। और नेक्स्ट जो टोटल की कितना कैटेगरी के अनुसार जो कितना कट ऑफ लाया था तो उसमें कितना कैंडिडेट्स लोग क्वालिफाई कर पाए थे, ये सारी बातें को आपको डिटेल से बताऊंगा, वन बाय वन बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर, बताया जा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट फॉर द काउंसलिंग के लिए टोटल कैंडिडेट्स को इतना लोगों को बुलाया गया था। आप देख सकते हैं 36,440 स्टूडेंट को बुलाया गया था काउंसलिंग के थ्रू। तो दोस्तों यानी कि इस पिछले साल टोटल 36,440 लोगों का काउंसलिंग हुआ था। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल के लिए दोस्तों देख सकते हैं जनरल में जो लोग आते हैं उनको लाना पड़ेगा 60 नंबर। 60 नंबर लाते हैं तभी आपका काउंसलिंग होगा और उसके बाद आपका एडमिशन लिया जाएगा, यानी कि किस तरह का कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। और मैं बता देता हूँ दोस्तों अपने तरीके से कि अगर आपका नंबर 80 आती है तो आपको ज़्यादा चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिग्री तो सेम मिलेगी, ये भी 2 साल का होगा वो भी 2 साल का होगा, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि गवर्नमेंट का जो होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज। और जो उसका फ़ी भी है कुछ ना कुछ तो जरूर कम होती है। जैसे मान लेते हैं सपोज प्राइवेट का कॉलेज का फ़ी है 1 लाख रुपया पर एक लाख पूरा कोर्स का, तो आपको गवर्नमेंट में 75,000 में हो जाएगा। अब बात रहा गवर्नमेंट, क्योंकि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा या किसी टीचर के लिए एग्ज़ाम दीजिएगा वहाँ पर जब अपना डिग्री जो बीएड का डिग्री वहाँ पे शो कीजिएगा तो आपको गवर्नमेंट रहेगा तो आपको ज़्यादा प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। तो बस दोस्तों ये है जो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं साइड से बता चुका हूँ। बस ये दोनों में अंतर होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में। और दोस्तों गवर्नमेंट में है जो सीट है बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज आपको पता ही होगा टोटल बिहार में 200 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है पूरे बीएड के लिए, और उसमें मात्र ओनली 3 जो यूनिवर्सिटी है वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे बीएड का एडमिशन होती है। टोटल आई थिंक प्रीवियस ईयर 400 सीट या 500 सीट था गवर्नमेंट कॉलेज में बीएड के लिए। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो आपको मैं शेयर कर चुका हूँ। अब आते हैं वापस अपना टॉपिक पे, जहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सीरियल नंबर में पहला नंबर है जो आप देख सकते हैं जनरल का है, जहाँ पर कट ऑफ है जो जनरल का गया था 60 नंबर, यानी कि जो जनरल में आते हैं जिनका नंबर 60 नंबर आता है यानी कि टोटल 120 नंबर का एग्जाम होता है, उस 120 एग्जाम में अगर आपका 60 नंबर आता है तो आप आसानी से काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपको किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। और देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में जनरल में जो थे वो टोटल कैंडिडेट 18,000 समथिंग लोग थे जो इस कट ऑफ को पार कर अपना क्वालिफाई कर पाए थे और उन लोगों का एडमिशन मिला था बीएड कॉलेज में। और दोस्तों मैं बता देता हूँ ऐसे बिहार बीएड अपने लिमिट रखता है सबसे मिनिमम कट ऑफ पास करने का 35, यानी कि दोस्तों 35 नंबर वो मिनिमम होती है, यानी कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सबसे लोएस्ट कहाँ गया था 35 गया, 36 गया था, सबसे लोएस्ट 36 गया था पिछले साल के अनुसार। और इस साल कितना लिमिट रखती है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो पिछले साल के अनुसार जिन लोगों का 35 नंबर आया था उनका एडमिशन उनको काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया था। अब बात रहा था कट ऑफ, जिनका कट ऑफ जिस कैटेगरी के अनुसार जो टैली कर पाया उनको एडमिशन मिल गया था। अब दोस्तों नेक्स्ट है देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी वाले लोग का जिनका 36 नंबर आया था उनका कट ऑफ निकाल गया था। और टोटल देख सकते हैं कितने कैंडिडेट्स हैं एससी में, तो टोटल 5,000 समथिंग स्टूडेंट थे एससी
वाले में। तो दोस्तों इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ आप लाइक कीजिएगा, मैं मोटिवेट होऊंगा इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और हाँ दोस्तों मैं बता देता हूँ कि बिहार बीएड या डीलेट से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि खासकर मैं बिहार बीएड और डीलेट से रिलेटेड न्यूज़ आप लोग को देता रहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और बात रहा है दोस्तों कि 10 मार्च से आपका एग्जाम होने वाली है, तो उस पर उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चन का लेवल होता है। वो क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन का वहाँ पर मैं बताया हूँ। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक कर वो वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इसका वीडियो आजकल में पार्ट टू भी आने वाली है इंट्रेंस एग्जाम पर, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है जो थर्ड नंबर है एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए जिनका 47 नंबर आता है वो आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे, उनका काउंसलिंग होगा। और पिछले साल टोटल 347 स्टूडेंट ही थे जो लोग एसटी में आकर और अपना कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए थे। नेक्स्ट दोस्तों जो है चार नंबर आप देख सकते हैं जो बैकवर्ड कास्ट यानी कि बीसी, यानी कि दोस्तों मैं आता हूँ बीसी में, ठीक है, तो बीसी में आता हूँ। और दोस्तों बताता हूँ बीसी में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं ओबीसी एक होते हैं ईबीसी। तो बीसी के अंदर एक आ जाता है ओबीसी हो जाता है, एक हो जाता है ईबीसी जिसको बीसी वन भी बोला जाता है, बीसी टू भी बोला जाता है। तो इन दोनों का जो कटअप होता है वो अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं बीसी के लिए जो कटअप गया था वो गया था 54 गया था, जो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 4000 समथिंग लोग थे जो क्वालिफाई कर पाए थे। और नेक्स्ट है जो ईबीसी जिसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, उसमें टोटल जो जिनका नंबर 44 आया था वो लोग क्वालिफाई कर पाए थे और उनका एडमिशन हुआ था किसी भी बिहार के बीएड कॉलेज में जो प्राइवेट होता है उनमें हुआ था। तो देख सकते हैं टोटल 6200 समथिंग्स स्टूडेंट थे जो लोग ईबीसी में आकर क्वालिफाई कर पाए थे। और इधर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अपने चैनल में हर तरह का वीडियो बनाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में जो थंबनेल है जैसे कि बिहार बीएड का टॉप 50 कॉलेज पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे जाकर चैनल में। फिर देख सकते हैं बिहार बीएड से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आए थे उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ। फिर आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग में अभी जस्ट एक बम्पर वैकेंसी आई है जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और लेक्चरर के लिए, तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो इस तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहिएगा। ओके दोस्तों तो चलिए जो मैं बता रहा था वो बता देता हूँ आगे। और नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं 6 नंबर जो है डब्ल्यू बी सी यानी कि क्या वोमेन बैकवर्ड कास्ट। अगर आप वोमेन और बीसी में आते हैं तो आप वोमेन बैकवर्ड कास्ट में आ जाइएगा। तो दोस्तों जब फॉर्म फिल कीजिएगा ऐसे तो फॉर्म फिल करने का डेट चला गया, बीसी से आप अप्लाई कीजिएगा तो देख सकते हैं बीसी में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है। अगर आप गर्ल्स हैं तो डब्ल्यूबीसी कैटेगरी कर आप फिल कीजिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। देख सकते हैं उसका जो कट ऑफ है बहुत कम जाता है यानी कि 45 जाती है कट ऑफ। तो दोस्तों 45 कट ऑफ गया था, ये था डब्ल्यूबीसी के लिए जिसमें टोटल 1000 लोग क्वालिफाई कर पाए थे, कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए थे। नेक्स्ट है जो 7 नंबर देख सकते हैं दिव्यांग यानी कि पीएच वाले, दिव्यांग मतलब जो हैंडीकेप्ड होते हैं वे किसी तरह से अपंग होते हैं उनके लिए कुछ प्रीफरेंस दिया जाता है, उनका जो कट ऑफ है बहुत कम जाती है। तो आप देख सकते हैं उनका कट ऑफ गया था टोटल 36 यानी कि 36 टोटल गया था कट ऑफ। ये टोटल कट ऑफ है जो दोस्तों पिछले साल का है और ये रियली, ऐसा नहीं कि मैं आपको फेक बता रहा हूँ, ये रियली कट ऑफ है जो मैं संभाल कर रखा हुआ था कि ये आप लोग के लिए वीडियो लाऊं। तो दोस्तों नेक्स्ट देख सकते हैं जो लास्ट है सर्विस मैन, अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस में काम कर रहे हैं यानी आप ऑलरेडी कोई वर्क कर रहे हैं कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, आप बीएड में एडमिशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कुछ अलग कट ऑफ निकाला जाता है जो है 36 उनका कट ऑफ जाता है सर्विस मैन के लिए, ठीक दिखे, जहाँ पर टोटल सिर्फ और सिर्फ 92 लोग ही क्वालिफाई कर पाए थे और ऐसे भी बहुत कम लोग अप्लाई कर पाते हैं सर्विस मैन वाले लोग, इसलिए इसमें यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये था वीडियो जहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस करके बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर में टोटल कट ऑफ कितना कितना आया था। अब आपको सुविधा मिलेगी कि आपको किस लेवल के अनुसार पढ़ाई करना है स्टडी करना है ताकि आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं है कि इस ईयर भी आपका सेम यही कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन आई थिंक दोस्तों बोला जा रहा है कि इस बार जो कैंडिडेट्स होगा बीएड में एडमिशन के लिए वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि देख सकते हैं पिछले साल टोटल 36,000 समथिंग थी स्टूडेंट, इस साल टोटल 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं। और अभी जस्ट 3 से 4 दिन पहले पेपर में पब्लिश कर बताया गया था कि टोटल बिहार में जो बीएड का एडमिशन बिहार बीएड के लिए जो निकला है फॉर्म उसमें टोटल 35,000 लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो न्यूज़ था 3 से 4 दिन पहले का था,
3 से 4 दिन पहले का 35,000 लोग अप्लाई कर चुका था, अब मिलाकर आई थिंक मेरे ख्याल से 45,000 स्टूडेंट पहुंच चुके होंगे पूरे बीएड एडमिशन के लिए। और मुश्किल से मुश्किल जो कॉलेज में सीट है, कितना कॉलेज में सीट है दोस्तों, इसके लिए मैं वीडियो आकर आपको लाकर बता दूंगा कि इतना कॉलेज में सीट है। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहूँगा। दोस्तों यही थी वीडियो, तो बस ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो ओके दोस्तों, तो इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इस तरह का अपडेटेड न्यूज़ बताने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी।